हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम थाने के, थाने महानगर पालिका के दफ्तर में, और आपको बता दें कि थाने महानगर पालिका के जो आयुक्त विपिन शर्मा, उनके केबिन के सामने जो है नगर सेवक शानू पठान जो है यहाँ पर पानी का हंडा लेकर जो है विरोध प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो थाने कार्यालय है मनपा का, वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें जिस तरह से मुमरा शील दिवाई इलाकों में पानी की काफी किल्लत हो रही है, आज 4 से 5 दिन हो गए इन इलाकों में पानी नहीं आया। जिस तरह से पाइपलाइन फटने की बात सामने आई थी और जो उसको लेकर मरम्मत कार्य भी किया गया, लेकिन अभी भी पानी की किल्लतें जो है वो बरकरार है। और यहाँ पर मनपा आयुक्त केबिन के सामने जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं, शानू प्रधान क्या कहेंगे आप, आज विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, आप क्या मांगे आपकी? 4 दिन से मुमरा कोसा शील दिवाई भागुत के अंदर पानी, 1 दिन हो गया, उन्होंने कहा MIDC की लाइन, पानी की लाइन टूट गई, इसीलिए पानी नहीं है, रात को आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन पानी आ जाएगा, शटडाउन था, दूसरे दिन पानी आ जाएगा, लेकिन आज भी मुमरा कोसा के भाग के अंदर पानी नहीं है। ये मेरी माँ बहनों का, मेरी खालाओं का, मेरी माओ का, मेरी बहनों का ये हंडा जो 4 दिन से भटक रहे कि पानी कहाँ से लाए, उसका प्रश्न पूछने के लिए मैं कमिश्नर साहब के पास आया। और मैंने उनको कहा कि MIDC की जो लाइन है वो बार बार टूटती है और 4-4 दिन आपातकालीन की व्यवस्था है, तो आपके पास अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसे में लोगों को पानी दिया जा सके। मैंने उनको 2 से 3 मांगने किया, उन्होंने कहा चलिए मैं आपके हाथ जो मांगनी है मैं आप हमारे कार्य चलिए मुमरा में, मैं आपको आपके हमारे कैबिन में आपको बैठ के सारे आश्वासन देने के लिए तैयार हूँ। मतलब नहीं, जब तक के अब पानी MIDC का लाइन खराब हो गया और 4 दिन मुमरा को सको और युवा को कोई भी भाग में पानी नहीं आएगा, पर्याय आप पानी कैसे देंगे, ऐसा ठोस निर्णय नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं उड़ू, चाहे इसके लिए नगर सेवक पद चले जाए, मुझे सस्पेंड हो जाऊँ, चाहे कोई भी बात हो, ऐसे नहीं करना। लोग हमें प्रश्न पूछते, लोग बोलते कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये आंदोलन नहीं है, ये इनके ढोंगे, ऐसे में प्रश्नों को क्या लोगों को क्या जवाब। इसीलिए साफ ये बात है कि एक बात हमको आप इस टाइम का पानी वहां पे ज्वाइन करें, ऐसे में कभी लाइन टूटती है MIDC की तो जहां पे एक परिवार को 1000 पानी लीटर आता है, हम आप उतना ना देते 100 से 200 लीटर पानी दो ताकि उनको टॉयलेट बाथरूम और पीने की व्यवस्था हो सके, इमरजेंसी आपातकालीन व्यवस्था। दूसरा, मुमरा प्रभाग समिति के अंदर ना ही चाहिए, ना ही डेपुटी, ना ही एग्जीक्यूटिव, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो हमको थाने महानगर पालिका का ऐसा क्यों बना करके, हमको सिस्टम भी आप अधिकारी नहीं दे सकते। एक तरफ लोग के पास नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ इनके पास जगह खाली है, ये भरते नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा। लाखों रुपए का पानी 5,500 रुपए का एक टैंकर बेचा जाए, कहीं ना कहीं से लोग अपनी जरूरत पूरा करें, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ सुबह से। यहाँ पे आप अधिकारियों की भी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाए, जी नहीं है अधिकारी, जेई नियुक्ति की जाए, जरूरी जरूरत है, सुनौले साहब है, लेकिन और यही डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए, लोगों को प्रश्न दे सके। हम लोगों को ये बता सकते कि पानी 6 बजे 7 बजे आएगा, लेकिन हम टेक्निकल क्या है हम ये नहीं बता सकते, टेक्निकल बात तो अधिकारी बता सकते ना, तो ऐसे में हम उनको ऐसा हमारी आवाम को खाली नहीं छोड़ सकते। ठोस निर्णय यहाँ पे, जब तक MIDC की बार बार लाइन टूटेगी तो हम क्या 4-4 दिन पानी के बिना रहेंगे? अगर ठोस निर्णय, ठोस उपाय यहाँ जब तक नहीं देंगे, मैं कमिश्नर साहब के कैबिन से बाहर ले जाऊंगा, इसके नीचे मैं हर सजा भुगतने तैयार हूँ। वो कहा जाएगी, आप देखिए स्टंटबाजी नहीं है, या स्टंटबाजी लोग बोलेंगे तो ये नहीं, हंडा हंडा मोर्चा ये सब नहीं, डायरेक्ट हम ये कमिश्नर साहब के कैबिन में बाहर क्यों आए, क्यों आए, देख रहे आप, कमिश्नर साहब ही इसका उपाय दे सकते हैं, तुरंत इस पर निर्णय कमिश्नर साहब और महासभा के पास ही है, आप यहाँ से तुरंत इस टाइम का पानी भेजने का उपाय दें, आप ये आश्वासन दे मुझे तुरंत, और साथ में जो पोस्ट खाली है उसमें जिम्मेदार व्यक्ति जेई डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये तुरंत किया जाए,
तभी आने वाले टाइम पे अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो हम पर्याय बेसिस पर पानी कैसे दे सके, ये ठोस कदम उठा सकते, नहीं तो ऐसे आंदोलन करके कोई फायदा नहीं। इसलिए कमिश्नर साहब के ही उनके अथॉरिटी में कि उस पर तुरंत निर्णय दे सके, इसलिए आज कमिश्नर साहब के पास बैठा हूँ। बाकी कमिश्नर साहब के ऑफिस दफ्तर के बाहर ही बैठे हुए, क्या अभी तक वो बाहर आए? अधिकारी आए, उन्होंने कहा मुमरा में चलिए हम आपको सब करके देते, लेकिन मैंने बोला नहीं जाऊंगा, लाखों लोगों को जवाब देना हमको, मैं नहीं जाऊंगा, सस्पेंड कर दो, नहीं जाऊंगा। पूरे मुमरा को सके, मेरे नगर सेवकों को, मेरी जनता को, मेरा लोगों को प्रश्न पूछ रहे, या सीधा कमिश्नर से बात करना है। कमिश्नर साहब के बिना जब तक उनके पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ पे नहीं देंगे ठोस निर्णय, क्या इसके बाद पर्याय पानी की तकलीफ हुई तो ये पर्याय है कैसा? लिखित में चाहिए, लिखित में इधर चाहिए, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मेरे साहब, जो इसमें पानी और अधिकारी की नियुक्ति की मांग है वो 3 दिन का समय क्या पूरा कर पाएंगे आप लोग? हाँ जी, क्योंकि इसके बारे में जो कोई वहाँ पे एक इंजीनियर जो फुल टाइम देना चाहिए वो फुल टाइम देने के लिए हम लोग अभी आज के आज या कल आयुक्त साहब के प्रस्ताव देके इमीडिएट कल के वाला ऑर्डर निकाल सकते, 3 दिन में कर सकते हैं, और इस टाइम की व्यवस्था भी जल्द से और उस टाइम के जरिए, और उसकी तरह से जो कोई भी अभी समझो वैसे बड़ा कोई शटडाउन आता है तो शटडाउन के टाइम पे मुमरा कलवा दिवा इन परिसर के लिए जो पानी का इतना बड़ा गैप पड़ता है तो उस टाइम से जो महापालिका के पास अलग यंत्रणा मतलब स्टेम से जो पानी पुरवठा होता है उसका पानी पुरवठा वहाँ पे उस एरिया में करने के लिए टेम्पररीली जो कोई भी वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रस्ताव हम लोग 1 हफ्ते के अंदर सादर कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिख के दिए इस बारे में। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। लिखित में जो है शानू पठान को यहाँ पर दिया गया, जो आपकी मांगे थी वो आपको लिखित में दिया गया, आप अभी धरना प्रदर्शन खत्म कर, क्योंकि अधिकारियों के सारे आले अधिकारियों ने हेड ऑफिस के हेड पानी पानी के हेड डिपार्टमेंट ने उन्होंने लिखित में दे दिया आयुक्त साहब के सामने और कमिश्नर साहब से उन्होंने बात करके दिया। ये आंदोलन सुबह से जारी था, कितना बज रहा है? 2 बज रहे। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद सारे आला अधिकारी से बात किया। आने वाले टाइम पे 3 दिन के अंदर और 8 दिन के अंदर, 3 दिन में सर जेई और जेई एग्जीक्यूटिव डेप्यूटी और साथ ही में उस टाइम का पानी 8 दिन के अंदर हमको मुमरा कोसा दिल विभाग जीवा विभाग में दिया जाएगा, ऐसा लिखित में दिया। नहीं दिया गया तो इसके बाद कमिश्नर साहब के घर पे भी मैं आंदोलन कर सकता हूँ। आपने सुना कि जो है सानू पठान को लिखित में जो है यहाँ पर दिया गया आश्वासन, 3 दिन के अंदर जो है जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, लेकिन सानू पठान का कहना है कि अगर उनको जो लिखित में दिया गया है वो नहीं पूरा किया जाता तो जो मनपा आयुक्त है उनके घर पर भी आंदोलन करेंगे। कैमरामैन मुजफ्फर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार दैनिक।